बड़ा बढ़िया गीत प्रीतम बाबू बजाओ थे, उसमें गीत बड़ा ट्रेंडिंग में है, नायक नायिका से कहला, अभी रहा में गायक गायिका से कही, कहाँ कर दरू ठीक नहीं खन कर, झूठी खाई थी कसम तू निभाई नहीं, हो झूठी खाई थी कसम तू निभाई नहीं, रात खेतों में बिताया तू तो आई नहीं, हाँ बिरहा के सुनने वाले सभी हृदय सम्राट श्रोता बंधु लोगों के, हम गायक कलाकार ज्ञानी यादव पार्टी की ओर से बहुत बहुत नमन प्रणाम, और एक बिरहा पब्लिक के डिमांड पर मांग पर माँ विंध्यवासिनी स्टूडियो मुगल सराय विशाल यादव की देखरेख में और जसवंत यादव गायक कलाकार की देखरेख में जौना बिरहा का शीर्षक बा हमारे मर्यादा की वेदी, तो पेश बा आशा ना पूर्ण विश्वास बा कि आप लोग हमारे बिरहा के अपन अमूल्य आशीर्वाद प्यार जरूर दे। आओ मास्टर तनी गरम भी रहा है, मन श्रृंगार रस भी मिल जाए, बीर रस भी मिल जाए, और तनी तनी करुण रस भी मिल जाए, बाकी बचल तो उखी का रस भी मिल जाए। अच्छा ठेला पर बेचे के हो भूमिका में भावा बिरहा के माध्यम से बताई कलयुग का गुरु द्वापर में रहल के रहल बिरहा के माध्यम से बताई। यहाँ पर एक लाइन गीत लगत है, एक बार बुल्लू उस्ताद भी गावे, लेकिन हमारे बड़का बाबू मेरे बाबू जी श्री स्वर्गीय श्री राम जादू जी अपने अंदाज में गावे, कैसे गावे लाल गिर गिट के पड़ के बेकार होई, हीरा का हार कितनो पानीदार रहे, अगर कोनो छुछमाछर के गले में पहरा देबा, एगो बानर के गले में पहरा देबा तो नोची बकोट ले तोर तोर फेंकी हर हर, लेकिन तर्ज भाव लगल गाना के अंदर
केहू हाथ जब उठाव पहरेदार बनला। कबो कबो गुलाब का श्रृंगार काटा हो जाला, केहू अगर तोड़े का कोशिश करी काट चदना धसला। बाहर लेखनी हमरे कबीर कवि के, कबीर पांडे जी के लिखनी बा, शुरुआत भइल कहानी के तनी जोहरी में लगी। बोलो उस्ताद बोली। अरे कश्मीर राज का राजा कीर्ति वर्धन अभिमानी लेकिन कवि का सुंदरता दिखा। सुरभित कंचन सी काया भ्रम में भवरे पड़ जाते नानू का देख के अंजन थे खंजन की शर्माती। अरे भैया कहानी के समझ ला। कश्मीर का राजा जेकर नाम रहल कीर्तिवर्धन, कश्मीर का राजा कीर्तिवर्धन के एक बिटिया जेकर नाम मंजुला रहल। अब मंजुला इतनी सुघर रहल, बड़ा नोखे में कीर्तिवर्धन के पलले रहलन, बड़ा प्यार दुलार से पलले रहन, बड़ी खूबसूरत रहल। और लड़की तो खूबसूरत रहल, लेकिन लड़की खूबसूरती के चलते जवन है बड़ा लोग देखे थे जी भी के पानी गिरे लोगन के। जवानन के तो बातें छोड़ दा, कितना बुढ़वा लोग मर गए, लेकिन लड़किया के कर दीवानी रहल। दिल्ली नरेश पृथ्वी की पूजा चौमुख बिरताई दीवानी हो के मूरत मन मंदिर बीच बसाई। उ दीवानी के कर भाई राजा पृथ्वीराज चौहान का, दिल्ली का राजा रहे। और जकरे तेगा तलवार का कोनो जोड़ नहीं रहे, जवाब ना रहल कोनो। लड़की पृथ्वीराज का नाम सुन के चर्चा सुन के उनसे प्रेम कर बैठल, लेकिन बात यही जाए गड़बड़ात बा। वही कश्मीर राज के बगले गजनी राज रहल, वही गजनी राज का राजा रहल जेकर नाम बतावल गेल, जेकर नाम बतावल गेल मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी मंजुला के बारे में जानत रहे, इतनी सुघर लड़की, अगर हमार दुल्हन बन जाते कितनी अच्छी रात, कितना अच्छी बात हो। लेकिन आए भैया मोहम्मद गोरी का दाल गलत नहीं है कौनो। और मोहम्मद गोरी कैलस का मंजुला के आपन बतावे बदे जोहरी भाव लगे। जब मोहम्मद गोरी का एक ना चलन, अंत में मोहम्मद गोरी के मन में एक विचार उठल, इसे काम बनी उनी कैलस का चिट्ठी लिख करके कीर्तिवर्धन के भेजवा देलस कि 20 दिन के अंदर अंदर अगर हमार बात ना मनला अपने बिटिया का ब्याह हमारे संगे ना कैला तोहरे राज पर चढ़ाई करके झेलम नदी का पानी जौन है
झेलम नदी के सटले कश्मीर है। झेलम नदी का पानी पीरन के खून से लाल कह दे। राजा कीर्तिवर्धन जानत रहल मोहम्मद गोरी के बड़ा अत्याचारी है, तो राजा कीर्तिवर्धन डराय करके हथियार डाल देलस, आत्मसमर्पण कर दिया। कालस की भैया हो, हमके कोनो लड़ाई झगड़ा का बात नहीं, मार बिटिया जवान ही है, सयान हो ही गई, बियाह दाख हो ही गई, अब चाहे तो से करी चाहे केहू आउट से भी हवा तो कर ही के हो, तो आप कहला भी हवा। लेकिन यार मंजुला के जब अपने शादी ब्याह का बात का पता लगल, मंजुला के दिल पर भैया हो बड़ा कष्ट भइल, दिल में चोरी से चिट्ठी लिखलस, केकरे नामे? राजा पृथ्वीराज के नामे लिख करके दिल्ली में भेजवाऊ ले बा। लेकिन लिखले कहा, अरे राजा कीर्ति वर्धन का मंजुला कुमारिया पतिया में लिखले बबात हो, प्रीतिया का मानुमो रे रखमान मितवा, गोरी लूटल चाहे सावगा, यही लिखले बा अपने दिल का बात। क्या माप का नाम सुन ले ही, आप बहुत वीर आदमी हैं, आपके देखले ना ही, लेकिन आपसे प्यार कर बैठे ही। लेकिन यार मोहम्मद गोरी हमारे पिताजी के धमकाए के हमसे जबरदस्ती शादी कर चाहत बा, लेकिन एक बात आपसे यह कहल चाहत है कि जवानी अगर नाम करब तो तोहरे नाम करब, ना तो जिंदगी मौत के घाट उतार दी। लेकिन कैसे कहत बाप, तार्ज बदल गए, कौनो मेहरारू का जवानी उफान मारत रहे, सयाजी परदेश रहे, होल लगा के कहतिया, का कहतिया, मन कर सिलवट पिलूढ़ा से, मन कर सिलवट पिलूढ़ा से कुछ दी जवानी रजऊ,
अगर मोहम्मद गोरी से हो गए मर मर्यादा चल जाई तैसन फिर ताई कौन दिन काम आई सुनीला की खानदानी वीर हुआ है तो खानदानी वीर हुआ और तुहरे जियते जो ई पानी लुटा जाई तो व्यर्थ धरती पर जियब। चिट्ठी जब पहुंचल पृथ्वीराज के हाथ, पृथ्वीराज जब चिट्ठिया के पढ़लन है अरे तो दिमाग दम सनसन सनसन उड़े लगल। कहल प्रेम के बात अलगे मगर सलाम मोहम्मद गोरी एक अबला को परेशान कर रहा है, एक औरत को परेशान कर रहा है। तो जवाब का लिखल ताज बदल गई। प्रीतम बाबू फिल्म का गीत है लेकिन बुल्लू उस्ताद बड़ी मौज मेले के गांव है, पर्दा लगा ला। हमरे बुल्लू उस्ताद गांव में कि सांवरिया कहे कि अरे तारे कहे कि अरे तारे तारी कितनी नील कदन की तारे इतार है लेकिन बाहर लगल गाना के अंदर पृथ्वीराज लिख ले उनका की कोई बात नहीं है। अरे पानी चौहान यह लिखत हूं पृथ्वीराज लिखला जवाब मन धीरज धरा सयानी
बाप, एकदम चिंता मत करा, घबड़िया मत, धीरज मत छोड़िया, धैर्य मत छोड़िया। तो हर डोला गजनी में जाए न देव अपने जीता है, और भले सूरज का उगना पूरब के बजाय पश्चिम से हो जाए, मगर पृथ्वीराज जौन जवाब निकल गए, बात निकल गई, तो अब मोहम्मद गोरी के छोड़ब ना, यहाँ पर टेरी में भाव लग गई। अरे कवाई भूमंडल पे पीरता, अरे कवाई भूमंडल पे पीरता, शीश कमल कर सामने आई, जवानी का पानी ऐसे तो गर्जत चौहान शान भाखत है चंद्रभान, राखत सामर्थवान ठोकर में काल को, अरे साजत चतुरंग सेन बाजत मृदंग बैल, और लाजत सुरेश लखी भाजत करवाल को, मोड़े मुखियाज पृथ्वी राज का महीतल पे, नहीं कोई चरणी चले ऐसे लाल को, लिखला है कि जमलोक जाऊं लौट दिल्ली न आऊं, भले मर जाई, जमलोक जाऊं लौट दिल्ली न आऊं, कर कर जिस मिलाऊं न गजनी घोपाल को, भले दिल्ली लौट के ना आई मर जाई बहरे, लेकिन गजनी नरेश मोहम्मद गोरी के अगर सहूर न सिखा देली तुम्हार नाम पृथ्वीराज नहीं। तो यहाँ तर्ज बदल गई, हमरे बाबू वाली हो कि गवन करा पियो घर बैठा वाला, अरे अपने कोइलरिया में लागल रे, कहे कि निर्मोही, बड़ा निर्मोही रहले राजू, कहे कि निर्मोही दगा दे के भागल रे, निर्मोही कुल ओरिजिनल है, जब गई बात तब करे जा हरियर रही, सबके बस के बहरे भी है। इत तर्ज भाव लगल गाना के अंदर, तो चला ना समर में कमर कस के जमाना बाप, अरे मन में सपना बा साजन बा, अरे रड़ा भेरी बजना बा, चौहान अपनी सेना के आवाज दिलो, जब राजा पृथ्वीराज के सेना के जवान कमर कस के तैयार भइल, तो भाव है राजा एकदम देखाई कसौटी वाली है, अरे कालो ककान महाकाल यदि आए, सनमुख समरिया में पार नहीं पाई, बजनवा
सेना कमर कस के तैयार बा। अब मंजुला जो चिट्ठिया लड़किया लिख के भेजले पृथ्वीराज के ई सोचत बा घरे पता नहीं है यहाँ कि ना यहाँ का होई का करी हा सोचत बा का सोचत बा यहाँ तर्ज बदल गई कि बद्री से निकला बचान ई तो तर्ज बा लेकिन तर्ज से बढ़िया फर्ज है लड़किया लिखत है यहाँ श्रृंगार करुण रस के दोनों मिश्रण है लड़किया लिखले बा का लिखले बा रो रो के कि आई है कि नहीं मन मीत गरा अरे यही है कि नहीं मन मीत प्रीतिया का रितिया निभावे अर्थिये आज निकली हे भगवान का होई इता महू नहीं जानत है मगर दिल में याद की चलत बा सोचत बा का सोचत बा प्यार हार जाई का तुझी सोचत बाप कीर्ति वर्धन के लड़की जीवने के मोहम्मद रूपी मोहम्मद गोरी बड़ा बुरी निगाह से देखत रहे सोचत बाप या तमरे मांग में सजी ना तो घर से हमारा अर्थी उठी और यहाँ पृथ्वीराज के सेना जाके वही झेलम नदी के तीर किनारे वही झेलम नदी के किनारे जाके डेरा टमगले हुए जितना वीर हलन कुल डेरा एकदम जमल है अजोरिया राव तुगल एकदम चमचम चमचम लकलक लकलक करे थे वही समय भयल का अरे झेलम नदी का तीरा रखे मावा सजाई गईले उगली अजोरिया सुतल सकरिया देख पृथ्वीराज अब भी मकाय बिरवा हथवा में सोहल धनु ही आयो तिरिया पूरा वीर खाए नहाए के सुतल हूँ और पृथ्वीराज के आंख में नींद नहीं है चैन नहीं है कब बिहान हो कब मोहम्मद गोरी के सहूर सिखाई यार हर पलटा कौन तब तक निगाह पड़ल दूर कोई बड़ा भीम काय शरीर वाला आदमी आवत है सोचे लगल कि ये वरण कर मने ये ना देखली आज तक
कौनो दाना उनो तो ना ना बा अब इतना सोचत हूं तब तक बा आए के वो आकृति पजरे खड़ी हो गई बा ताके लगला ऊपर से नीचे तक कल का भैया के हुआ के हवा यही दुनिया का हुआ कि कौनो और दुनिया का हुआ तो परिचय अपन बताओ तुम परिचय बताओ सुन थामा मोरे नौवा शब्द बेदी मान कला ज्ञान वाली करिया कल हमार नाम अश्वस्थामा हम द्वापर में रहली हाथ जोड़ के पृथ्वीराज खड़ा भेल कल प्रभु कैसे दर्शन देला कल सुना सुनलिए है कि बिहान एक अबला के इज्जत बचावे जात हुआ तब सुना एक चीज तो के देवे ली है शब्द वेदी बाण के शिक्षा वहीं पर पृथ्वीराज के अश्वस्थामा जी सिखौलन आज भी अश्वस्थामा अमर हुआ अजर अमर हुआ कहलन है का कलन है कि अबला कला जिया अर पचई बाप हाना हुआ अर पटया सिरवाद राखा कुल के पगरिया बान चलावे के शिक्षा देलन अश्वस्थामा जी पृथ्वीराज चौहान के बतौली ने कलयुग के गुरु द्वापर में रहे यही बता देली अश्वस्थामा जी शब्द वेदी बान के शिक्षा पृथ्वीराज के देलन और कलयुग में जितना राजा भइलन केहू के पास शब्द वेदी बान का ज्ञान ना रहे शब्द वेदी अगर कोई चलावत रहे तो राजा पृथ्वीराज चौहान चलावत रहे अरे हर जब बिहान भैला जोरा उभैल भगवान नारायण जैसे में दर्शन दहला तो भैल का राजा पहपट लग गई अरे चका भानु भूतल पर भैल या जोर जोर या जम्बुअल बाप तो चका भानु भूतल पर भैल या जोर जोर या जम्बुअल बाप मुख मच गए सोन जोर याद बहुत बा सवेरा भयल तो भयल का जल्ला बोलू भैया दोनों वीर दोनों दल के वीर जे समय आमने सामने भइला है तो होत का बाप अरे भिड़े भयंकर वीर जंग में भाजे बड़ा छी भाना हो अरे करदन कटे लगल मरदन के पड़ल मरद से पाना हो कट कट के गर्दन गिरे लगल वीर से वीर भिड़ गइलन तलवार एकदम खचा खच चलत हो लेकिन जनात काबा कैसन लगत हम काल के मुह में जान पड़े जे भोर जोर आज मऊल बा पहलहू का धारा चारी और जोर आज मऊल बा कट कट के वीर गिरा लगल खचा खच तलवार चलत है के केकर गर्दन काटे तो पता ना चलत है कितना तो भाग गए ना ए भैया लहू का धारा तनक में बहे लगल लहू का नदी बह गई खून का नदी बह गई और यहर मोहम्मद गोरी के निगाह पड़ल जब पृथ्वीराज पर तो कैलाश का अरे कौन जाई चौहान का जवहर देख गए लग हबड़ाई हो पार किया पीछे से कीर्ति पर पापी गुस्सी आई हो राजा पृथ्वीराज चौहान के वीरताई देख के मोहम्मद गोरी समझ ला पीछे से बिगड़ल धुआं फेंक लगल और डराय के डर के मारे जंग मैदान से भागल चाहत बा लेकिन भागल भागल जा जा के खतरा कह दिलस कैलस का मंजुला के बाप जोन कीर्ति वर्धन
कीर्तिवर्धन के पीछे से तलवार मार देलस, जान पर आक्रमण कर देलस। लेकिन भयल का, अरे बाणों की बौछार देख धन घोर जोर अजब बहुअल बा, अब भागल गोरी जैसे मारल चोर जोर अजब बहुअल बा। राजा कीर्तिवर्धन के रण मैदान से भाग निकले, ऐसन भागल जैसे नजर बचाए के चोरवा कुल बुलुबिया भागल, कि धराए जाई तो आँख कान बची न, वही तरह भागल। और यार पृथ्वीराज चौहान के लड़ाई में जीत भइल, विजय पा गइल। और वह मंजुला का सोचत है वही श्रृंगार सजाओ थे रनिवास में, लेकिन कैसे आल्हा में भावा। हरे राजा ये पुरन की है राजू, इनका गोयन के बस के बहरे है, हम तो सीना ठोक के कहिला। हाँ कैसे लाल पाड़े प्रीतम, अरे स्वाति के पपिया जैसे जो है बेकरार, अरे जो है जैसे आस लेके, अरे चांद के चकरिया दिलावर के जो है बिरहीन रंगदार। मंजुला यार जो है जैसे मोर सावनी घटा के जो है ला, और स्वाति के बूंद बदे पपिया तरसला, वही तरह आज आस लेके ए हृदय में मंजुला जो है बा पृथ्वीराज चौहान के, कि हमार दिलदार हमारा मन का मीर आ कि ना आ, अब वही ओकरे मन में आग भी चलत है, का सोचत हुई है हमारे बारे में, हमारे प्रेम के स्वीकार केले हुई है कि ना सुनी हुई है, आया है यह कुल सोचत बा। तब तक रनिवास में खबर पहुंचल, अरे तनी श्रृंगार अपन और तनी कास के सजावा, फीका न रहे तनी और चौचक चमकाला, कलस काहे बदे कलस करे तोरे मन का मीत तार दिलदार। राजा पृथ्वीराज चौहान रण मैदान में विजयी हो गए, और इतना ना इतना सुनता है बाबू, अरे ही जमात ना फफात बपिरतिया, अरे बिहबल नयन बहया सुब कुधूत, Come on!
अंतिम सासिया करतार मंजुला सोचत यह ओकरे मन में दूसर भाव चलत हमारे प्रेम के स्वीकार कैले हुई कि ना कैले हुई है। तब तक क्या कि कोई खबर बतेबे के श्रीनिवास में कि तोरे मन का मीत जीत गई ला। और आओ देखलस नताओ श्रृंगार का पटोरा वही जाए फेंक के आय हाय हाय मारे प्रेम के जनादबा की हियरबा एकदम करे जब फफनत और आंखी में आस लेके दौड़त दौड़त पहुंचल रण मैदान में जाए के पृथ्वीराज के देखले तो रहल नहीं खाली नाम सुनले रहल लेकिन चीन गई पृथ्वीराज के चेहरा लकलक लकलक चमचत लीलार एकदम चमचम चमचम चमकत रहल मानो देवता की तरह वही रण मैदान में खड़ा हूँ। पहुंचल मंजुला जा करके पहुंच के पकड़ के भर अखबारी के पृथ्वीराज चौहान के ही लीलार चूमत कल तू के कलश के हमारे नाम मंजुला कहले तो रही चलते ही कुल भयल है जान गेले वह मंजुला जन चिट्ठिया लेके भेजले रलू कलश हाँ कहल की तो रही चलते ही कुल भयल है हाँ जोर की झरझर झरझर आंख से आंसू चलत है कलश के हमारे प्रेम के स्वीकार करला ना तब अगर हमारे प्रेम के नहीं स्वीकार करबा हमके अपन दुल्हन ना बनेबा तो हम अपने आप के मौत की आग में ढकेल दे मर जाइब लेकिन किसी दूसरे के नाम का सिंदूर इस मांग में नहीं सजाऊंगा। राजा कीर्तिवर्धन जेके मोहम्मद गोरी मरले रहल अंतिम सांस चलत रहल तब तक मंजुला का निगाह पड़ल अपने बाबूजी के ऊपर पिताजी के ऊपर कीर्तिवर्धन के ऊपर जब निगाह पड़ल दौड़ के गई जाकर के अपने बाबूजी के गोदिया उठाए के ही मुड़िया उठाए के गोदिया में रखले बाबू कैसे का हो गए सारी बात बतौलन और राजा पृथ्वीराज चौहान लेलन पजरे बुलाए के मंजुला का हाथ पृथ्वीराज चौहान के हाथ में दे देलन और वही राजा पृथ्वीराज चौहान जी तलवार की नोक पर अंगूठा काट करके मंजुला के मांग में सिंदूर भर देलन और ले करके दुल्हन बना के दिल्ली चल देलन ये होले मर्यादा के विधि। तो यहाँ पर आखिरी में बाबा कहना बाप बाबू बतावे कि विराह तीन प्रकार का होला एक पाथर पर लकीर एक पानी पर लकीर एक बालू पर लकीर दिखाई पाथर का लकीर मर्यादा के वेदी पर मरल है सनिया शानदार आदमी मर्यादा खातिर मर जाई मिट जाई मगर मर्यादा से कभी सौदा ना करी वही हाल आज मोहम्मद गोरी का तड़फड़ात बा मर्यादा गवा के लेकिन सोचत बात
कश्मीर का कली करे जा मेकर के दिन राती लेकिन दिन रात वही बतिया सालत हार गई राजा पृथ्वीराज चौहान से और भरी महज्जत में हमके बेइज्जत कह देना और यही आस लेकर के कई बार मोहम्मद गोरी दिल्ली पर चढ़ल लेकिन भयल का चलल चाल न एको बाजी हारन सोलह बार काटा से काटा निकली जा चंद बना का तार खार में अरे कैले बाना नानी उगुक पुनी वही मर्यादा के अपने वापस लिया बदे पानी जोन गए ले लो पानी के बचाव है बदे मोहम्मद गोरी ओकरे ऐसन बेहया आदमी ना दिखली है कम से कम कुछ नहीं 16 बार पृथ्वीराज के राज दिल्ली पर चढ़ाई कैलस लेकिन 16 बार हार के मुंह देखलस बैरंग लौट गए वापस और उसी समय कहल गए कि घर फूटे तो गंवार लूटे जयचंद नाम का कांटा होता क्या है बाबू देखा यही सस्पेंस है जयचंद नाम का कांटा जो कि पृथ्वीराज से संबंधित रहने लेकिन जयचंद नाम का कांटा जाकर के पृथ्वीराज को चुभ गया आखिर में जयचंद गद्दारी कर गया जाकर के मिल गया और 17वीं बार जे समय मोहम्मद गोरी दिल्ली पर चढ़ाई कैले है तो भयल का 17वीं बारी दिल्ली पर परचम दिया उड़ाई तब सुन के मंजुला मार कटारी तिहारी प्राण कमाई पाई चलना समय सारा निया गवा के पनिया सोलह बार हारल रहल और जयचंद के साथ मिलकर 17वीं बार जब चढ़ाई कैलस तो 17वीं बार में राजा पृथ्वीराज चौहान को लड़ाई में हरा के बंदी बना लेलस यार मंजुला के जब मालूम भेल कि राजा पृथ्वीराज चौहान के मोहम्मद गोरी जयचंद के साथ मिलकर के लड़ाई में हरा के बंदी बना लेलस कैलस का निकाल के कटारी वही महलिये में मरना का चतना करी जामे यही छाती में मार के अपन प्राणांत कर लेलस मर गई और अमर प्रेमो कर रहे भगवान उनके जन्नत नसीब कैलन लेकिन पृथ्वीराज चौहान को जिस समय मोहम्मद गोरी बंदी बनवाया है हथवा गोढ़वा बांध देलस और अपने चढ़गल मचान पर चढ़ के मचान पर आवाज देवे लगल अरे चौहान चला बताओ तेरी क्या औकात है आज कहाँ गई तेरी औकात कहाँ गई तेरी वीरताई हाथ गोड़ बनले बा आंख दोनों फोड़ दिले पृथ्वीराज चौहान का अनहर कह दे सखिया उखिया निकाल लेलस बनले बा चढ़ करके वही मचान पर आवाज दे बा जैसे ही अरे भैया पृथ्वीराज चौहान के आवाज दे बा मोहम्मद गोरी सोचे लगल आंख तो फुट गई बा करी तो कहाँ करी कुछ सुझत नहीं बा बगलिये में चंद्रवरदाई कवि रह पहले का कवि दिनेश कलमे नहीं तलवारो चलावे धीरे से काने में कल कहाँ सोचत हुआ कहना अरे यार का बताई आज एकदम तो देखत कि पानी पानी हो गई हम आज जिंदगी बची उची ना कहल मरदावा इसे नहीं जैसे इसे बताओ थे वैसे इसे करा कहल राजा साहब जवन जैसे बताओ थे वैसे काम करा काम बन जाई कहल बतावा आग फुटल बा और चंद्रवरदाई कभी वही समय आवाज देना कहे कि 4 मास 24 घंटे
इशारा मरल धनिस धनुष तीर मोहम्मद गोरी थमौलस पृथ्वीराज चौहान के ला तनी आज बांध चलवा देखी तुहरे बांध के जौहर। तब तक चंद्र बरदाई कभी बतेबे कहले कल चार पांच 24 गज अंगुल यष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान। खाली इतना ही सारा कहले चार बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान और शब्द वेदी बान के स्मरण कैल मरल जाय के कचदना धसबाय कयल। अब वही मचान पर से तीन ढलमुनिया खा के मोहम्मद गोरी गिरल। अब वही समय मोहम्मद गोरी का लड़का मौका पाए के कि बाबूजी के तो मार दे पृथ्वीराज चौहान चल के हम वही मौरिया काट ले। उसी समय चंद्र बरदाई कभी कर लेन का कैलन है अरे बना के बंदी पृथ्वीराज को लिया नयन कढ़वाई अरे मौका अंतिम दे कि सारा किया चंद बरदाई छाई जानी में बिरानी अंगवा के पनिया चंद्र बरदाई कभी जैसे ही लेकर के मोहम्मद गोरी के लड़का तलवार दौलल राजा पृथ्वीराज चौहान के ओरी कहले जवान राजा केहू से कब्बो हारल नहीं रण मैदान में आज देखत है कि अपमानित करके इनकर जान अगर निकालल जाई ते हमारे बर्दाश्त के बाहर है। कैला का निकाल के तलवार म्यान से लहराए के हवा में तलवार मरला एक झटका में राजा पृथ्वीराज चौहान कभी गर्दन उतर गए। चंद्र बरदाई कभी एक बार मरला राजा पृथ्वीराज चौहान का गर्दन कट गए और दूसरका वार मरला अपने गर्दन पर मार देना अपन हूँ जिंदगी दे देना हमारे जीते हमारे राजा का अपमान हुई इसे बढ़िया मर जाऊ ठीक ई होले शानदारी होले पानीदारी सर्वा मर्द आदमी पानीदार आदमी सदियों में एक बार पैदा होला हिजड़ा मऊगा सारे तो रोज पैदा होत हुए रोज मरत हुए तई रहल मर्यादा के वेदी आखिरी परिचय बाप गुरु गणेश गुरु राम लाल मर गए पृथ्वीराज रामदेव चंद्रिका के से पीरों पर नाच हरे गवाई भूमंडल पे बिराता कबीर कसन गुरु रह सहाय कवाई भूमंडल पे वीरता बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद आप सभी लोगों के। भाई मास्टर का कहता रहा गीत का लाइन बड़ा बढ़िया दिल बड़ा यह दुनिया यह जमाना बा और यह आदमी के जीवन बा का लेके आइल बड़ा का लेके जाई बा सब यही जे रह जाई कहना बका हो
काहे अरे काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो ये माया के दुनिया है भुला मत जीवन बड़ा अनमोल कहना बका अरे काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो खोता छोड़ के जाए के पड़ी अरे कौना कारण से नीमन बाउर होता हो अरे कौना कारण से नीमन बाउर होता हो खोता छोड़ के जाए के पड़ी काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो खोता छोड़ के जाए के पड़ी तो आइए छोटा सा भी रहा हम गायक कलाकार ज्ञानी यादव एन पार्टी की आवाज में और माँ विंध्यवासिनी स्टूडियो मुगल सराय भाई हमारे विशाल जी की देख रेख में जसवंत यादव के सौजन्य से भेज रहा हूँ एक ऐतिहासिक चीज ऐसन कहानी ऐसन दास्तान अचूक चीज जो बड़ा कम लोगन के मालूम हुई कैसे मास्टर भूमिका में भाव बा अरे जहां बुलबुलों का बसेरा रहा वहां आज गुलशन ये वीरान है जहाँ धूम सी हर पहलुओं में थी वहाँ आज मौसम भी सुनसान है जहाँ राज महलों में गुलजार था वहाँ आज खंडहर दिखाया गया हिंद का बादशाह जो कि तुगलक रहा जबकि दिल्ली का राजा बनाया गया कहले के मतलब समय हमेशा एक तार नहीं रह आज तोहार चढ़ा नहीं है तो कहियो लटका नहीं हो ठीक वही करे बाबू हो जिस महल में हमेशा गुलजार हुआ करता था जहां हमेशा हर पहलू में शोर शराबा धूम धड़ाका था लेकिन आज उसी महल में खंडहर दिखाया गया लेकिन फिर समय बदला जब हिंद का बादशाह जो कि तुगलक जिसको बताया गया जब दिल्ली का राजा बनाया गया
तो उसके मन में एक जिज्ञासा जगी। कौन सी जिज्ञासा जगी है? सत्य की खोज करने के लिए निकला है। लेकिन मास्टर तो हूँ सत्य के खोज करा। एक लाइन यहाँ गीत लगत हमारे बाबूजी वाली कैसा? जियो राजा जवानी एक बार आवेले दोबारा ना आई। वो यार यार करता देले। जवानी नहीं गाय भैंस भइल हो। कैसे कावेला? अरे शीशे का है दरवाजा, शीशे का है दरवाजा, पत्थर के मकानों में तार जह, लेकिन भाव लगल तर से बढ़िया फर्ज हो। मानव एक मुसाफिर है, मानव एक मुसाफिर है, कोई ना ठिकाना है। अरे कुछ लेकर न आया है, न कुछ लेके आयल हुआ न कुछ लेके जाइ ब्या कहना बात। अरे कुछ लेकर न आया है, कुछ लेकर न जाना है। भाई कैसे बादशाह जिस समय सत्य की खोज करने के लिए निकला है तो इच्छा जगी। कौन सी इच्छा जगी है? दिली इच्छा से एक दिन बादशाह विचार किया, दिली इच्छा से एक दिन बादशाह विचार किया, अपने फैसला के ऊपर जो निसार दिया। भरा महलों में बेस कीमती खजाना है, बादशाह के मन में एक विचार उठल, दिल में विचार उठल कि महल में बड़ा तमाम हीरा जवाहरात खजाना भरल बा, तो सत्य की खोज करे बदे जब निकलन है इतना खजाना भरल हो तो एक ठिकाना पर ही लगाओ पड़ी। तो कैला का भरा महलों में बेस कीमती खजाना है, दौलताबाद हमें दिल्ली से पहुंचाना है। लाव लश्कर को शाही ढंग से सजाया है, मजे का
लाओ लश्कर सजा करके जितना धन संपदा खजाना रहल लेकर के दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद पहुंचावल गए। कारण का रहल सत्य के खोज बदे। लाओ लश्कर को शाही ढंग से सजाया है, सल्तनत छोड़ अपना काफिला बढ़ाया है। अपन जितना धन दौलत रहल खजाना रहल दौलताबाद पहुंचा करके और निकल पड़ा। जहां जहां गयल, जहां जहां गयल तहां तहां जौन जौन चीज मशहूर रहल मंगाए करके ओके देखलन, जौन खाए वाली चीज रहल खैलन, जौन यूज करे वाली चीज यूज कैलन, देखा वाली रहल देखलन। लेकिन ई कुल घूमत घूमत खोजत खोजत जिसमें इलक काशी नगरी में, तो उस समय चंदौली जिला काशी बनारस भदोही जौनपुर सब एक में रहे। तो सबसे पहले राजा जी घूमत घूमत सारे जहां से अल तो काशी नगरी में जब अल तो वहां का भयल है यहां पर तर्ज बदलत है। दर्जु है कौन भी रहीन कहत बा ए राजा जी हो, अरे पिया परदेश गईला पिया परदेश गईला तार लागो चोटिया में, या परदेश गईला तार लागो चोटिया में। इत तर्ज वाले किन भाव गाना के अंदर, अरे काशी सहरिया में अरे काशी सहरिया में आज गईला राजा जी, अरे आई गईला राजा जी मोहाय गईला राजा जी, आई गईला राजा जी मोहाय गईला राजा जी, काशी सहरिया काशी नगरी में अलन ए बाबू बारे भोलेनाथ के नगरी अड़भंगी नाथ कहल गए कि बाबा भोलेनाथ के लिंग के पूजा होले। लिंग के हाँ हो, हो। अरे लिंगवे ना जनत हुआ शिवलिंग के पूजा होले, देशों में ना विदेशों में पूजल जाला। कहना बा भयल का पावन सुहावन भोले बाबा का नगर जहां, अरे पावन सुहावन भोले बाबा का नगर जहां, गंगा लहर से हर साय गईले राजा हो, गंगा लहर से हर साय गईले राजा हो, काशी सहरिया में आज गईले राजा, काशी सहरिया में आज गईले राजा।
गंगा माई के लहर देख के और खुश बने बारे बाबा भोलेनाथ के नगरी। इन नगरी ऐसा के हमेशा मस्त रहे, चाहे दिन के 12 बजे हो चाहे रात के, चाहे दिन हो दिन के 12 बजे हो चाहे रात के 12 बजे, 24 घंटा ही नगरी जीवत रहले। लेकिन है भैया अब काशी नगरी के तलहरा ले लें, अब जब आगे बढ़ल तो भैल काम। उत्तर या पश्चिम बहे गोमती के कछार गंगा, गोमती और गंगा का मिलान जहां भयल तो उ जगह का नाम कहाँ रहल, जगतपुरी में नियराय गईले राजा हो, जगतपुरी में नियराय गईले राजा हो, काशी सहरिया में आय गईले राजा हो, गंगा और गोमती के मिलान कछार जहाँ रहे जगतपुरी के नाम से जानल जाता है, जौन आज के डेट में जौनपुर के नाम से जानल जाला। जब जौनपुर में पहुँचलन काशी बनारस के दूध मलाई खेले के बाद जौनपुर में जब पहुँचलन राजा तो अय भैया वहाँ सवाल कर दिलन। कौन चीज के सवाल कैलन कि बनारस नगरी से काशी नगरी से इतना बढ़िया दूध पी के आवत है का जौनपुर में भी कुछ ऐसा नहीं मिल सकला। जब सवाल कैल तो भयल का यहाँ ताज बदल गए, अरे खटियाई गई तजू है बड़ी पुरानी है, अरे खटियाई गई शहर बनारस से खटियाई गई, लेकिन है भैया जौनपुर में जिसमें राजा जी पहुंचल दूध का मांगन कैलन, बहुत सा लोग दूध लेके चलन, लेकिन वही जौनपुर शहर में एक थे जमुनी ग्वालिन रहल। जब राजा का सवाल सुनलस तेकर मन में एक बात चलल विचार चलल का, बड़ा दीन हो के जमुनी सोचा था हो, बड़ा दीन हो के जमुनी कहन लागी बड़ा दीन हो के, जमुनिया बहन मनवे में विचार करत हो का कि राजा जी दूध मंगले हुआ तो सोचत हो दूध अगर मांगब कदर नहीं बाय, केहू से मांगब तो आदमी कहीं के दिखाए करे गाय भैंस रहते जौन है भिख मंगई करत हो, कबो देखबे ना कैले है। दूध अगर मांगब कदर नहीं बाय, आज गैया भैंसिया न घर मोरे बाय, बड़ा दिन होके बड़ा दिन होके जमुनी कहन लागी बड़ा दिन होके, बड़ा दीन हीन मन से सोचत है गईयो भैंसिया घरे ना है लगतो ना है, टाइम टाइम पर तनी मनी देतो बाणी तो का करी, का लेके राजा साहब के सामने जाई केहू से मांगे जाब तो बेइज्जती है। लेकिन है बाबू सोचत बा मन में, यहाँ पर एक लाइन तर्ज बदलत है,
बढ़ाला। बुल्लू उस्ताद काम है। अरे खाई गई लू लंगड़ाया मताम कहिया दे बुची रही। एक तो मंच के माध्यम से भी लोग सुन ले हमारा आवाज में, लेकिन रिकॉर्डिंग जात बा तैसा आप लोग के मन फेरोड़ बदे गा देली है। लेकिन भाबा अरे जमुनी कहले बिलखा रे मन बाउर भैलजियारा। सोचा लगल सबके तो घरे घरे दूध मलाई हो, दूध दही हो, सब तो पहुंचा दे, लेकिन ये बाबू हम का करी, हम कवन मुंह लेके राजा साहब के सामने जाए। सोचत बा सब ही के घरे घरे बाजले मथनिया। अरे दूधना गरीबिया में बायरे मन बाउर जियारा। जमुनी सोचे लगल कि घरे घरे से लोग दूध लेके जात बण, अगर हम न ले जाब राजा साहब बिगड़ जी ने मेरे ऊपर, आखिर करी तो का करी। और सवाल ये है कि राजा साहब अब इन्हें तक रुकबो करिए, रहती है तक कल बिहाने चल जाइ। सोचे लगल करी तो का करी, बड़ा आफत प्राण पड़ल बा, आग पीछ मन करत है। तो कैलस का एगो कटोरी लेलस, कटोरी में अपनी छाती के अपने अस्तन का दूध कार करके बारी बारी से सब दूध लेके गयल बा गाय भैंस का, लेकिन इत अपने अस्तन का दूध लेके गईल बा जमुनी ग्वालिन। और जब पहुंचल है राजा साहब बारी बारी से सबकर दूध चिकलन, लेकिन जब जमुनी के दूध चिके के बारी आई तो कटोरी में दूध रहल तनिका रहल। राजा साहब जब ओके चिकलन दूध के जबान पर पड़ल है तो वो दूध का स्वाद सबसे अलग आय हाय। कहला राजा साहब की सबकर दूध अलग स्वाद, लेकिन ये दूध का स्वाद अलग, आखिर बात का है। जमुनी दबाए लगल अगर असली बात बता दे राजा जी के तो बड़ा बुराई है, लेकिन राजा साहब जब आग्रह कैले जमुनी से तो जमुनी बतौले बा बतिया के। जब जमुनी बतौलस आय है कैसे बताओ तो यहाँ तर्ज बदल गई। बड़ी पुरानी की बोला कहिया लाया है तोहारा बिराना। मास्टर बुढ़ौती है कहा, ये मेरे बाबू वाली है। अरे बोला कहिया लाया है तोहार बिराना। अरे भाऊ जाइया पूछल नदिया से। कुल पुरानी धुन है, जब गई बार राजा तब मजा आई, जवानी बरकरार रही। एके छोड़ के नईकी के चक्कर पड़ गया तो बुढ़ौती आ जाई, दांत साथ टूट टाट जाई, कोनो पूछबो न करी है। लेकिन भाबा कहे यसुआ बहाल के हमार माता बाप। आए है बाहरे राजा कहत हो का, कहे यसुआ बहाल के हमार माता बाप। दुखदाईया भइल गरीबिया में, अरे दुखदाईया भइल गरीबिया में।
जमुनी असली सच्चाई जब बतौल सर आय है कलंत ही तो अमृत दूध ना ही तो अमृत है एक माता का दूध एक औरत के छाती का दूध लेकिन आज से अभी नाता बदल गया तोहरे दूध का कटोरी अमृत में घोरी हमके दूधावा पियावली हमारा मतावा दुख दैया भैली गरीबिया में जमुनी कलश की बड़ा गरीबी रहल है गाय भैंस कुछ हमारे पल्ले नहीं है सब गांव से दूध लेके जात रहे तो हमहूँ लेके चल अली लेकिन हमारे पल्ले गाय भैंस नारल बड़ी गरीबी है तो हम सोचली कि काहे न ऐसा कर दी राजा साहब जब इतने सुनलन आँख से आंसू के धारा छलक गए आए हाय यहाँ पर टेरी में भाव लगल अरे चरणों में जिनके ताज झुक गया जमुनी ग्वालिन दाना दाना के मोहताज आए हाय हाय आज एक गरीब के पैर में एक राजा का ताज झुक गया गिर गए गोड़े पर गोड़ धैल और यह कहत हूँ राजा साहब यहाँ ताज बदल गई मास्टर पेवर बनारसी की ठाड़े रहो मुरली वाले कर्जा उतरी तो कैसे उतरी बात फंस गई कल ठीक है यही उपाय है वही जगतपुरी के नाम धैला राजा साहब का धैला जमुनीपुर जमुनी ग्वालिन के नाम से वो जगतपुरी का नाम पड़ल जमुनीपुर और जमुनीपुर के नाम से वहां किला बनवलन जब किला बनवलन आगे का होत बा यहां पर ताज बदल गई वह तर्ज बाप अरे राजा जान मारे अरे सैया जान मारे रुमलिया में हंसी के लेकिन भाबा चली गई ले राजा हो किलावा बनाई के राजा साहब जमुनीपुर का किला बनवा जवन जगतपुरी रहल वो जमुनीपुर जमुनी ग्वालिन के नाम से जमुनीपुर ओकर नाम पड़ल जमुनी में किला बनवलन जब किलावा बनवलन किला बनवा करके राजा साहब चल गए ओकरे बाद पारी के कराई जमुनीपुर में जब शेर शाह आया अरे
सुंदर सजाया सुरंग कटवाई के चल गई राजा किलावा बनाई के ओकरे बाद शेर सा आया। शेर सा जब अलन तो कुछ छेड़छाड़ ना कल किला के ऊंचाई के जो तनी मध्यम रहल और बढ़ा दिल ऊंचा कर दिल। अब शेर शाह के बाद जौन राजा आयल ओकर नाम का रहल वही जमुनीपुर में के रहल बादशाह अकबर नगरिया में आए। अकबर आया तो उसने क्या किया, पुल का निर्माण कर उलन। कवन पुल का निर्माण? शाही पुल। आज भी जइबा लोगन जौनपुर में तो पुरनका शाही पुल हो। क्या नकाशीदार हाथी घोड़ा शेर का झलक हो। लेकिन है भैया कहानी ये खत्म नहीं भई। अब होत का बा बादशाह अकबर इतना निर्माण कर उलन ओकरे बाद बादशाह अकबर का बेटवा जब आया जहांगीर जकर नाम रहल उका कैलस आल्हा में प्रमाण बा अरे अकबर का बेटा जहांगीर जब आया बाबू अकबर का बेटवा जहांगीर जब आयल वही जमुनीपुर में एक मंदिर रहल अटला देवी को। लेकिन जहांगीर कैलस का अटला देवी के मंदिर दिया तोड़ावा अटला देवी का मंदिर तोड़ के वही जे बनल का अरे मस्जिद या टाला मसा हूर बनवाया भैया अटला देवी का मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनवाया अटाला मस्जिद जहां आज भी मुसलमान भाई लोग जाकर के नमाज पढ़ते हैं। लेकिन अब जहांगीर के बाद उनकर बेटा शाहजहां जब आयल तब का कैलस ओ नहू का बेटा शाहजहां भैया पूरा एकदम रंग ढंग लाल दरवाजा लाल शाहजहां करो उलस। लेकिन अब एक बात जे आउर आवत है ऊ का कैलस अरे वो नहू का बेटा हो बा हाथुर शाह भैया
शाहजहां का बेटा, तो उसने क्या बनवाया? इमाम बाड़ा। इमाम बाड़ा जो आज तक जाफराबाद जेबा जौनपुर के अगम पहले ही जौन है, जाफराबाद पड़ला जाफराबाद में। ए भैया, जितना भी ओकरे बाद मुगल वंश में जितना भी शासक कैलन, अपने अपने ढंग से कर निर्माण कर चल गिलन, लेकिन आज भी जाफराबाद में फारसी पढ़ाई वहां पहले से जारी हो गल। आज भी वहां फारसी की शिक्षा देवल जाले। अरे भैया, अब जमुनीपुर जवन रहल बादशाह बहादुर शाह ने किया क्या उस जमुनीपुर को बदल करके? आखिर भाव है मुगल वंश जौनपुर के जिला जौन है के सजौलस। अरे मुगल वंश गया है सजाए के जिला, वही जमुनी से भैला जौनपुर का जिला। मास्टर मजा नहीं उतनी एक पत्ती बढ़ा यार। अरे मुगल वंश गया है सजाए के जिला, वही जमुनी से भैला जौनपुर का किला। मुगल वंश गया है सजाए के जिला, वही जमुनी से भैले जौनपुर का किला। जमुनी जमुनी से जौनपुर इनाम पड़ल मुगल वंश के दरमियान। लेकिन जब मुगल वंश का शासन हटल जब अंग्रेज अलन तो का कैलन? अरे मुगलों के बाद अंग्रेजी शासन झूल गए भारत के जवानवा। आओ, अंग्रेजी शासन में जिस समय अत्याचार होए लगल वही जौनपुर जिला में बढ़ चढ़ के लोग आजादी की लड़ाई में अपन बलिदान दिल। ती है असली कहानी जौनपुर की जिला का। तो कहना बका, अरे सुंदर चमनावा हिंदुस्तान का खिला, वही जमुनी से भैला जौनपुर का किला। सुंदर चमनवा हिंदुस्तान का खिला आज जौनपुर जिला शिक्षा के मामले में सबसे अव्वल नंबर पर बा, एक नंबर पर। जितने भी अधिकारी दिखवा जौनपुर जिला से, जितने भी बढ़िया ऊंचे पद पर लड़कन के दिखवा जौनपुर जिला से। तई रहल जौनपुर की कहानी। आखिरी परिचय बा, गुरु घरानी के परिचय बा का? गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल जी ज्ञानी, रामदेव चंद्र का बिना बरसे नैनों से पानी। चरणों में जिनके ताज जो गया गावे ज्ञानी आदो सतगुरु राखे लाल। चरणों में जिनके ताज जो गया।